लेना है। अब हम 120 ml मिल्क लेंगे। अब 2.5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे। एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स हमें अच्छे से मिलाना है। लेके उसे अच्छे से ऑयल ग्रीस करेंगे और हमारा केक बैटर उसमें अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब आप इस केक में जो चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। अब हम कुकर में थोड़ा पानी रख के उसे बॉईल करेंगे और हमारा केक टीन उसमें रख देंगे। और अब हम इसे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स स्टीम करेंगे। एंड आफ्टर 30 मिनट्स हमारा केक अब रेडी है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मेरी मम्मी को ये मदर्स डे स्पेशल केक बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि केक बहुत ही फ्लफी एंड टेस्टी है। Happy Mother's Day to all.